अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी स्पाइरल एंड लीफ, ये इस तरीके से ऐसे सर्कल में ही आगे की तरफ जाना है आपको बनाते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो कैसे हो आप सभी, होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब ना मैं कुछ दिन तक आपको हैंड्स की डिजाइनिंग जो है वो सिखाने वाली हूँ, जो सिंपल भी होगी और कुछ कुछ अरेबिक भी होगी, कुछ भरे हुए हाथ की भी होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी इस तरीके की आने वाली हैं आगे की नेक्स्ट वीडियोस में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने ये इस तरीके से हैंड जो है वो ड्रॉ कर लिया है और इसके ये वाली साइड से मैं डिजाइनिंग करनी जो है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये फिंगर के जस्ट यहाँ पे ही मिडिल फिंगर के इधर इस कॉर्नर में यहां से स्टार्टिंग करूंगी। यहां पर मैं ड्रॉ करूंगी इस तरीके से स्पाइरल, ऐसे मंडाला जो होता है ना वो ड्रॉ करना है यहाँ पे। सर्कल वाली पूरी डिजाइनिंग आप यहाँ पे कोई भी अलग डिजाइनिंग आप ऐड कर सकते हैं। आप इस डिजाइनिंग को कोई भी छोटे मोटे फंक्शन अगर आपके घर पे है, किसी रिलेटिव के है, आप ये डिजाइनिंग को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फेस्टिवल पे भी लगा सकते हो आप ये डिजाइन। जिनको बहुत ज्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं लगाना पसंद है वो इस तरीके की डिजाइनिंग ट्राई कर सकते हैं। और इसे आप ना बैक हैंड पे, फ्रंट हैंड पे, दोनों साइड्स पे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फ्रिल की जो डिजाइनिंग है पूरी आगे की तरफ कंप्लीट कर दूंगी मैं ऐसे। अब इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे इस तरीके से पेटल वाली शेप जो है वो क्रिएट करूंगी, ऐसे बैक टू बैक ऐसे ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं। ध्यान रखना है पेटल का जो साइज है वो एक बराबर हो, ऐसे करेंगे। यहां पर मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगी, इसके अंदर वाली साइड जो है इसको अच्छे से फिल कर दें। ये क्या इसके ऊपर अभी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। यहाँ ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, उनकी टिप को देखो उठा के मैं यहाँ पे चला रही हूँ ऐसे। ये क्या यहाँ पे ऐड करेंगे फिर, ये थोड़ा सा हल्का सा बाहर चला गया बट कोई नहीं, इसको मैनेज कर लेंगे। आप अलग 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 एंगल से ऐसे हैंड वर्क को फिल आउट कर सकते हैं। हैंड देखो मैं अलग अलग एंगल में लेके जा रही हूँ, एक ही साइड से हैंड को रख के आप नहीं डिजाइनिंग कर सकते। इसके ऊपर भी यहां पर बनाएंगे, देखिए यहां पे ऐसे हैंड रख के रिलैक्स कर सकते हैं। हैंड देखो मैं अलग अलग एंगल में लेके जा रही हूं, एक ही साइड से हैंड को रख के आप नहीं डिजाइनिंग कर सकते। इसके ऊपर भी यहां पर बनाएंगे, देखिए यहां पे ऐसे। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी स्पाइरल एंड लीफ, ये इस तरीके से ऐसे सर्कल में ही आगे की तरफ जाना है आपको बनाते हुए। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी स्पाइरल एंड लीफ, ये इस तरीके से ऐसे सर्कल में ही आगे की तरफ जाना है आपको बनाते हुए। इस डिजाइनिंग को मैं पूरा कंप्लीट नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ, इसका फुल लुक देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना ज्योति मेहंदी आर्ट से, मेरा वहाँ पर अकाउंट है, वहाँ पर आपको इसका फुल डिजाइनिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। मैं इसकी
फोटो जो है वहां पर अपलोड करूंगी। ओके, तो मैं बाकी आपको मैं बता दूंगी कि कैसे क्या चीज़ को ड्रॉ करना है कहाँ पर, वो आप करके इसको क्रिएट करके भेजना। इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग भी कर सकते हैं, इस डिज़ाइनिंग को सीख के अपना काम दिखा सकते हैं। स्पाइरल लिया, यहाँ पे लीफ ऐड करेंगे, गलत होगा, लीफ ऐसे ऊपर की तरफ ऐड करी, अगेन स्पाइरल लेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे लीफ। देखो ऐसे पूरा कनेक्टेड ये हो गया, इसके ऊपर देंगे ऐसे थिक आउटलाइन। आप चाहें तो इसके ऊपर नॉर्मल आउटलाइन देके भी काम कर सकते हैं, फिर बाद में अंदर वाला एरिया फिल कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे आप पहले ये शेप क्रिएट कर सकते हैं ये, बट मैं इसको भी डायरेक्ट कर रही हूँ ऐसे। बेसिक में आप और किस किस तरीके की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस में भी सीखना 1 मंथ में, तो मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। क्लासेस ऑनलाइन होंगी जूमिंग ऐप पर और ऑफलाइन होंगी दिल्ली में। क्लासेस की फुल डिटेल जानने के लिए आप मुझे यहाँ पे एक कमेंट्स में मैसेज कर देना, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, फिर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर्व ऐड करेंगे ऐसे, डीप में कर्व जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हुआ। यहां से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, एक डिजाइनर सा लुक आ जाएगा इधर। इसके ऊपर अगेन बैक टू बैक लाइन देनी है, यहाँ पे ऐसे करेंगे लाइन अगेन, यहाँ पर देखो क्या करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, पूरी काफी इधर तो आएगा फ्रिल का लेयर, ऐसे फ्रिल ऐड करनी है। यहाँ पर ऐड करनी है लीव्स ऐसे इस एंगल में, इस पॉइंट से भी ऐसे लेके जानी है लीफ। स्टार्टिंग लाइट रखनी है, मिड में थिक किया, एंडिंग में जाके लाइट, ऐसे आपको लीफ क्रिएट करनी है। यहां पर लाइन देंगे ऐसे, 4 लाइन्स ऐसे ऐड करी, उसके बाद अगेन यहाँ पे हम फ्रिल लेंगे। इस वाली लाइन को थिक करना है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे आप कटवर्क ले सकते हो, या फिर फिलर एलिमेंट, या फिर चेक्स की डिजाइनिंग आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे चेक्स ऐड कर दूंगी, आप कोई भी चेक्स की डिजाइनिंग इधर ले सकते हैं। बस मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके ना इसको ऐसे ही अभी छोड़ दूंगी, ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड करना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट ही आपको एक्सप्लेन करते हुए इधर चल रही हूँ, ठीक है। ऐसे सबको समझ में आ जाता है ना बताने पर, बता दो एक बार जल्दी से कॉमेंट्स में। यहाँ पे ऐसे थिक आउटलाइन दी, ये करेंगे थिक लाइन देनी है, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे, और तो ये इतना हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ से हम कुछ बेल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं नीचे की तरफ में। यहाँ इस तरीके से कर्व किया मैंने, एक इधर कर्व लिया, ये ऊपर से लाइन ड्रॉ करी, यहाँ ऐसे कर्व ऐड करना है, इधर लेंगे हम फ्रिल की लेयर,
यहाँ पे देनी है लीव्स ऐसे इधर डॉट, यहाँ पर फिर से अगेन लाइंस, यहाँ पर आप ना सर्कल शेप भी ले सकते हो, डायमंड शेप भी क्रिएट कर सकते हो बेल्ट ड्रॉ करने के लिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये मैंने ये लीफ का सेट लिया, इसको टिक कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर मैं ले लूँगी ऐसे डॉट, एक मोटा डॉट, एक छोटा डॉट, एक फिर से मोटा डॉट और एक छोटा सा डॉट। ठीक है, क्यूट सा ये पैटर्न आया है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे भी अलग अलग बेल्ट जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये वाले साइड पे यहाँ पे कर्व किया, बस छोटी छोटी सी बेल्ट क्रिएट करूंगी। ये क्या, यहाँ पे कर्व करेंगे, ट्रेल ऐड करी, ऐसे लीफ दे देंगे सिंपल, और यहाँ पे डॉट, एक और बेल्ट क्रिएट करी ऐसे ही, इसको फिल करना है, कर्व ऐड करेंगे, ट्रेल ऐड करनी है, लीफ ड्रॉ करनी है, और ये इधर डॉट। इसी तरीके से बेल्ट्स में इधर भी क्रिएट कर लूंगी, यहाँ पर कर्व, इधर कर्व देना है, इसे टिक किया, यहाँ डॉट ऐड कर देंगे, यहाँ कर्व, यहाँ पर लीफ, यहाँ पर फिर से बेल लूंगी मैं, कर्व करना है ऐसे, ट्रेल ऐड कर देंगे, इधर लीफ ड्रॉ करें। तो ये बेल्ट का हमारा डिजाइनिंग हुआ। यहाँ मैं इस तरीके से थ्री लीव्स का सेट ऐड करूंगी, थोड़ा और इसको क्रिएटिव अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। ये करेंगे तो यहाँ अभी, इसके बाद हम करेंगे फिंगर्स में डिजाइनिंग। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरीके से, इसको थिक किया। जो मैं इस फिंगर में डिजाइनिंग कर रही हूँ यही आपको सारी फिंगर्स में डिजाइनिंग करनी है। यहाँ ऐड करनी है थोड़ी सी लेयर ऐसे, यहाँ मैं दूंगी ऐसे ये वेव लाइन, डॉट ऐड करूंगी, यहाँ पर देनी है लाइन, अगेन लाइन करेंगे ड्रॉ, इसको टिक करना, ट्रेल ऐड करेंगे। इतना एरिया तो टिक करना है फिंगर्स का, फिंगर टिक, यहाँ पर भी सेम, और फिर बाकी के एरिया में आपको काम करना है। ऐसे किया, इसको फिल करना, फिर से यहाँ कर्व करेंगे, ग्रीन ऐड करें, ऐड करिए इसके ऊपर, यहाँ से ऐसे लीफ, ऐसे।
अगर आपकी फिंगर में ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, जैसे कि ये डिज़ाइनिंग करने के बाद भी स्पेस है, तो आप ऊपर और लाइंस जैसे कि वी पैटर्न में स्ट्रेट लाइन में लाइन देके और आगे की तरफ काम आप डिफरेंट कर सकते हैं। ऐसे ये किया, यहाँ पर इसमें मैं वेव लाइन दूंगी, डॉट्स दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लाइंस देनी है, अभी बस इसी फिंगर में मैं आपको काम करके दिखाऊंगी। इसका फुल लुक जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, आप वहाँ पे मैं जल्दी से फॉलो कर दो, जो कि मेरी आर्ट से है। आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल रही है, उसी पे ही मैसेज कर सकते हैं, आप अपना काम भी वहाँ पे हमें दिखा सकते हैं। अगर आपको बेसिक डिजाइनिंग नहीं आती है तो बेसिक डिजाइनिंग भी मैं पहले के वीडियो में सिखा चुकी हूँ, वो देखने के लिए आप मेरी अकाउंट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे मैं स्पाइरल के ऊपर फ्रिल ऐड करूंगी, ऐसे क्रॉस किया लीफ देके इसके ऊपर किया, यहाँ पे क्रॉस करके डॉट ड्रॉप बनाई, यहाँ से ऐसे लीफ ड्रॉ करते जाना है, वो ज़्यादा भी ऊपर लंबी लंबी नहीं ड्रॉ करनी, इस तरीके से मैं पे इसको ऐसे शॉर्ट कर दूंगी, ऐसे पूरा पैटर्न। इसमें भी मैं चलो आपको एक बार बता ही देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैं देखा दोनों फिंगर्स को एक साथ ड्रॉ कर रही हूँ। आप फिंगर्स में अलग अलग डिजाइनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि इसका बेस डिफरेंट कर सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम है, उतना डिजाइनिंग आपको समझ में आ रही है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल एक पैटर्न रख सकते हो, उसी को बैक टू बैक रिपीट कर सकते हो डिजाइनिंग में, इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है। ऐड करेंगे वेव लाइन, अब देखो या तो अगर ये आपको सेम रखना है तो ऊपर की थोड़ी और चेंज कर सकते हो डिजाइनिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बेल ले सकते हो, इधर आप सेम इनमें से ही कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। इसमें मैं ऐसे बेल क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, सेम वही लीफ वाला पैटर्न इधर लेंगे, और इसके अंदर थिक फिलिंग देनी है, डॉट
यहाँ पर छोटी वाली बाल ऐड कर सकते हैं। अगर देखो फिंगर पे इतना स्पेस हो ना तो ही चीज़ें करना, फिर स्पेस नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है डॉट। ये क्या यहाँ मैंने स्पाइरल लिया, फ्रिल ऐड करूंगी, अगेन फ्रिल लूंगी, यहाँ पे ऐसे लीफ ऐड करी, कर्व करके डॉट और ये शेप क्रिएट करी, यहाँ से ऐसे लीफ उतारी। इस एंगल में ऐसे लीफ ऐड करूंगी, ये एंड थंब में भी मैं कर देती हूँ डिजाइनिंग। यहाँ रंग देंगे, फिर ऐड कर रही हैं, लाइन क्रिएट करनी है, इसको टिक करना है, यहाँ पर मैं अगेन लाइन ड्रॉ करूंगी, फ्रिल ऐड करी, यहाँ पर मैं ऐसे ही ये लीफ दे के एंडिंग करूंगी, इस पॉइंट से ऐसे लीफ फिगर की तरफ यहाँ से इस साइड में अगेन मतलब यहीं पे डॉट्स करूंगी। सिंपल, और ये हमारी हैंड की डिजाइनिंग हो गई बनके रेडी। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स में बता दो, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।